अजहर चाणक्य ने महिलाओं की तीन ऐसी आदतों के बारे में बताया है दोस्तों, जिनके कारण से उनके साथ कई बार पूरा परिवार को भी दिक्कत होती है। तो आइए जानते हैं महिलाओं की इन आदतों के बारे में। दोस्तों, अजहर चाणक्य ने अपनी नीतियाँ में न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी कई बातें बताई हैं। अजहर चाणक्य कहते हैं दोस्तों कि स्त्री अपने गुण और अवगुण से पूरे परिवार को प्रभावित कर देती हैं। अजहर चाणक्य कहते हैं, घर के मुखिया के अलावा एक गृहिणी की भी बहुत अहम भूमिका रहती है। चाणक्य ने बताया है कि महिलाओं की कुछ आदतें ऐसी भी होते हैं जिनकी वजह से वह बहुत परेशान रहती है। तो आइए जानते हैं महिलाओं की तीन ऐसी आदतों के बारे में जिनके कारण से वो परेशान में पड़ जाते हैं। कुछ फैसलों में मजबूरी में हाँ करना। दोस्तों, कहा जाता है कि एक सुखी परिवार और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद जरूरी है कि पति पत्नी हर फैसलों में एक मत रखना। अचार चाणक्य कहता है कि कई बार महिलाएँ परिवार या पति के सामने अपनी बात नहीं रख पाती है और परिवार मैं लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए नापसंद फैसले में भी हामी भर देते हैं जिनके बाद उन्हें पछतावा होता है। अचार चाणक्य कहते हैं कि चाहे पुरुष हो या स्त्री, उन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपनी बात रखनी चाहिए। अपनी बात रखने से कई बार कुछ गलत करने से बचा सकते हैं। दोस्तों, झूठ बोलने की आदत। इस श्लोक के जरिए अचार चाणक्य कहते हैं कि महिलाएं कई बातों में झूठ बोल जाती है और अपनी इसी आदतों के कारण वह कई बार फंस भी जाते हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि झूठ बोलने की आदत पुरुषों में भी होती है, लेकिन अगर घर की महिलाएं झूठ बोलने लगे तो उनके साथ साथ परिवार के लोगों को भी परेशानी उठाना पड़ती है। वह कहते हैं कि झूठ कुछ समय के लिए खुशी तो दे सकता है, लेकिन सच ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता है। सच सामने आने पर परिवार से खुशियां भी चली जाती हैं। महिलाओं के साथ साथ इस बात का पुरुषों को भी ख्याल रखना चाहिए। आखिरी बात बताया है दोस्तों, खुद की सेहत का ख्याल न रखना। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियां अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। महिला में अपनी बीमारी को छिपाने की आदत होती है। महिला अपनी तबीयत खराब होने पर भी इसके बारे में अपने पति या परिवार का जिक्र नहीं करते हैं, खुद ही तनाव झेलती है जिसका असर उनकी सेहत और अधिक होता है। इस वजह से उनके साथ साथ परिवार के लोगों को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह का वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।